अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मिस्टर फोन चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको एक ऐसे फ़ोन की तलाश थी डैट कैन गिव यू अ थ्रिलिंग गेमिंग एक्सपीरियंस, अ प्रो कैमरा फॉर फोटोग्राफी एंड क्वालिटी म्यूजिक एक्सपीरियंस, देन दिस डिवाइस इज फॉर यू। सोने पे सुहागा, ये डिवाइस फुल चार्ज होगी सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर, और यानी कि 15 मिनट का चार्ज और 2 दिन की कंप्लीट बेफिक्री। दोस्तों, ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं MI 11T Pro के अंदर। ये डिवाइस पाकिस्तान में आज से 5 से 6 मंथ पहले लॉन्च हुई थी, स्टिल इट स्टैंड्स 5 स्टार प्लस। सो डियर फ्रेंड्स, इन केस यू हैव मिस्ड यूजिंग दिस 11T Pro, यू शुड गिव अ ट्राई to this device. This will definitely give you an outstanding experience. So karte hain is device ka short sa review aur dekhte hain ke ye device kaisi hai. Price mein aapko batata chalun ki Pakistan mein ye device jo hai wo 135,000 ke around launch hui thi, aur still abhi tak it's really worth. Pakistan mein iski jo price hai wo takriban 120,000 ke around hai. सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट वी कैन यू नो ना 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 ना। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यार इस डिवाइस की लुक की। एज यू कैन सी कि इसका जो बैक है, दिस इज अ ग्लास बैक, और फ्रंट पे भी आपको कॉर्निंग ग्लास 5 देखने को मिलता है। साइड्स की बात करें तो एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ है, जो कि इस डिवाइस को काफ़ी ड्यूरेबल बनाता है। और ऑन द राइट साइड आपको इसका फिंगर सेंसर देखने को मिलता है, दैट इज़ अ वेरी फास्ट। इसके अलावा जी, ये वॉल्यूम बटन्स हैं प्लस एंड माइनस। इसके अलावा ऑन द टॉप आपको इसका स्पीकर देखने को मिलता है, एंड इंटरेस्टिंगली दिस स्पीकर इज ट्यून्ड बाय हरमन कार्डन, जो कि इसको एक म्यूजिक के लिए आउटस्टैंडिंग डिवाइस बनाता है। हरमन कार्डन इज रियली अमेजिंग। इसी तरह अगर हम बॉटम की बात करें तो बॉटम पे आपको एक और स्पीकर देखने को मिलता है, और साथ ही इसका सिम ट्रे है, साथ में नीचे आपको टाइप सी चार्जिंग सेट देखने को मिलता है। सो बिल्ड वाइज, ड्यूरेबिलिटी वाइज और डिजाइन वाइज, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल डिवाइस लॉन्च बाय द Xiaomi। और इसके अलावा दिस इज अ 5G डिवाइस, एज यू कैन सी ऑन द बैक, इस पर कुछ डिटेल्स मेंशन हैं। और इसके अलावा इसके कैमरा की बात करें तो भाई, दिस इज अ प्रो कैम विद 108 megapixel AI कैमरा, और इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ इन डिटेल में। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द डिवाइस, व्हाट एल्स वी हैव गॉट अदर देन द डिजाइन। तो यार, फोन तो आपने देखा होगा, इट्स अ क्लासी, काफी हैंडी डिवाइस है और काफी मजेदार, काफी कूल डिवाइस है। बैक पे सुपर क्वालिटी का ग्लास है, और फ्रंट जो है, सिर्फ डिजाइन की बात करें तो आपको 5 होल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, और ये 6.67 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, AMOLED डिस्प्ले है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस कम्स विद 1 बिलियन कलर्स। इट मीन्स के यार, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है डिवाइस का, दिस इज गाना बी आउटस्टैंडिंग। यानी कि अगर आप इस पर कुछ वीडियो प्ले करते हैं तो आपको ये जो कलर्स का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग देने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, द वीडियो इज प्लेइंग, और यहाँ पे जो कलर्स की जो एक स्कीम है, दिस इज रियली आसम एंड कूल। तो डिस्प्ले वाइज यार, अब तक की जो Xiaomi की टॉप नॉच डिवाइसेस हैं उनमें से आता है, और अगर आप Samsung यूजर हैं तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको रिप्लेस करते हैं विद दिस डिवाइस, दिस विल नॉट डिसअपॉइंट यू। इसके अलावा यार, ऑन द स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें तो भाई, ये डिवाइस जो है IP53 स्प्लैश एंड वाटर रेजिस्टेंट डिवाइस है, यानी कि अगर आप इस डिवाइस को पानी में गिरा देते हैं तो तकरीबन 30 मिनट्स के लिए 1 मीटर डेप्थ वाटर के अंदर ये डिवाइस सेफ रहेगी, इट विल नॉट गेट डैमेज्ड। एज यू कैन सी के ऑन द टॉप आपको जो इसका कैमरा के ऊपर बॉडी का डिज़ाइन मिलता है, दिस इज सेम एज इट कम्स विद द Samsung A33 एंड A53 डिज़ाइन। सो वेरी कॉम्पैक्ट एंड वेरी ड्यूरेबल डिवाइस, काफ़ी ज़बरदस्त है। इसके अलावा प्रोटेक्शन की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलता है कॉर्निंग ग्लास विक्टस, जो कि कॉर्निंग ग्लास 5 से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि अगर आप इस डिवाइस के ऊपर कुछ कीज़ वगैरह जो है वो रगड़ते हैं, या इनकेस आपके पॉकेट में पड़ा हुआ होता है ये फ़ोन, तो इसके ऊपर कोई स्क्रैचेज नहीं आने वाले। दिस इज़ अ रियली ड्यूरेबल डिवाइस। हेलो गाइस, चलते हैं यार इसके टेक्निकल स्पेशलिटी की जानिब, और देखते हैं कि भाई चिपसेट कैसा है इसमें, रैम रोम कितना है, और गेमर्स के लिए ये डिवाइस कैसे बनाई गई है।
एज यू कैन सी के MIUI वर्जन 13 है इसके अंदर, दैट इज गोना बी वन ऑफ द बेस्ट MIUI वर्जन इन दिस डिवाइस. दिस विल गिव यू एन आउटस्टैंडिंग एंड स्मूथ परफॉर्मेंस टू द डिवाइस. इसके अलावा जी 256 GB स्टोरेज के साथ है, और ये डिवाइस आती है जी 12 GB प्लस 3 GB रैम के साथ, यानी कि आपको 15 GB की स्पीड देने वाला है. तो भाई गेमर्स के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस. अगर आप इस पे कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी या कोई और गेम खेलते हैं तो भाई दिस इज गोइंग टू बी एन आउटस्टैंडिंग एंड सुपर फास्ट सुपर रॉकेट डिवाइस. इसके अंदर स्नैपड्रैगन 888 ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगाया गया है, जो कि 5G प्रोसेसर है और 5 नैनोमीटर के साथ आता है. तो गेमिंग के लिए ये एक जबरदस्त जो डिवाइस होने वाली है. इसके अलावा इसके डिस्प्ले के अंदर आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, यानी कि अगर आप इसके ऊपर हैवी गेम चलाते हैं यानी कि पबजी वगैरह, तो उसके ऊपर आपको ये फुल जो है 120 FPS का एक्सपीरियंस देगा. और इसके अलावा जो बैटरी टाइमिंग है और जो स्पीड है वो कमाल की है. इसके अलावा इसका जो गायरो है उसकी ट्यूनिंग इतनी ज़बरदस्त है कि गेमिंग के लिए दिस इज गोना बी वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ. नगाज चलते हैं यार हम इसके कैमरा की जाने और देखते हैं कि कैमरा वाइज ये डिवाइस कितनी ज़बरदस्त है. सो एज यू कैन सी ऑन द बैक आपको इसके ट्रिपल कैम सेटअप देखने को मिलता है. 108 MP का AI मेन कैम है इसका, इसके अंदर इसके अलावा आपको 2 MP का, इसके अलावा आपको 5 MP का टेलीफोटो देखने को मिलता है, और साथ साथ आपको 8 MP का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है. तो कैमरे की परफॉर्मेंस की बात करें तो लेट्स नाउ मूव ऑन टुवर्ड्स द कैम. तो कैम की क्वालिटी से आपको अंदाज़ा होगा कि यार दिस इज़ अ सुपर फास्ट डिवाइस. और ग्राफिक्स की बात करें तो इसके अंदर ग्राफिक्स का जो है वो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है. कैमरा की क्वालिटी अगर आप देखें तो कोई पिक्सल ड्रॉप नहीं कर रहा. टेलीफोटो की ये खासियत होती है कि ये आपकी जो बिल्कुल माइन्यूट और माइक्रो डिटेल्स हैं उसको भी कैप्चर करता है. सो एज़ यू कैन सी कि इस इमेज को काफ़ी जो है ना ये क्लियर. इसके अलावा जो आपको पोर्ट्रेट मोड मिलता है जो कि इस कैमरा को और भी खूबसूरत बना देता है. पोर्ट्रेट मोड की ये क्वालिटी होती है कि साइड पे जो एरिया होता है उसको ये ब्लर कर देता है और बाकी पिक्चर को रिटेन करता है. तो वीडियो की बात कर लें तो भाई ये डिवाइस आपको देगी 8K रिकॉर्डिंग प्लस 4K रिकॉर्डिंग. सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस इन टर्म्स ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग. और वो लोग जो कि ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं या रैंडम शूटिंग करते हैं तो उनको आपको ये दोनों सेटिंग्स देखने को मिलती हैं. 4K है, 8K है, 30 FPS के ऊपर है और 60 FPS के ऊपर भी देखने को मिल जाता है. तो कैमरा वाइज यार दिस डिवाइस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल डिवाइस. इस डिवाइस का अगर आप सेपरेट फुल कैमरा रिव्यू देखना चाहते हैं तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा. यू कैन गो ऑन एंड चेक ऑन द फुल रिव्यू ऑफ द कैमरा ऑफ दिस डिवाइस. सिमिलरली हम बात करते हैं यार इसके फ्रंट कैम की. तो फ्रंट कैम इसका है भाई 16 MP और इसकी भी जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है सेल्फी लवर्स के लिए भी दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल डिवाइस इन द मार्केट राइट नाउ. एट द एंड हम यार बात कर लेते हैं इस डिवाइस के साउंड की. तो गाइस बात करते हैं इस डिवाइस के साउंड सिस्टम की. जैसा कि आपको पता है कि दिस डिवाइस इज ट्यून्ड बाय हरमन कार्डन जो है वो डिवाइसेस को वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट फराहम करते हैं और काफ़ी अच्छी जो है ना वो ट्यूनिंग करके देते हैं. तो चलते हैं डिवाइस के हम कुछ प्ले करते हैं और देखते हैं कि यार ये डिवाइस साउंड वाइज कैसी है. Guys, can you experience the 9D sound coming out of the sides of this beast? Thank you.
आपने देखा है तो भाई दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस बाय Xiaomi आई हैव एवर यूज्ड। काफ़ी आउटस्टैंडिंग और काफ़ी ज़बरदस्त म्यूज़िक है, डुअल स्पीकर के साथ है और आपको 90 म्यूजिक परफॉर्मेंस देता है, यानी कि यार दिस इज़ अ स्मॉल ऑडियो सिस्टम इन इट। बिल्कुल यार इसके अंदर आपको ऐसा लगता है कि जैसा कि एक कोई छोटा वूफर सिस्टम इसके अंदर रखा गया है। सो वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस अवेलेबल इन द मार्केट। एंड एट द एंड यार हम बात कर लेते हैं इस डिवाइस की चार्जिंग की, तो दिस डिवाइस इज़ पावर्ड बाय अ 5000 mAh बैटरी और मज़ेदार बात यह है कि आपको मिलता है इस डिवाइस के साथ 120 वाट का फास्ट चार्जिंग और साथ साथ ही वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट है। तो इस ओरिजिनल चार्जर के ऊपर ये डिवाइस 15 मिनट के अंदर 100% फुल हो जाती है और फिर आपको बैकअप देती है एटलीस्ट 1.5 डे के नॉर्मल यूज़ पे, और अगर आप इसे कंटिन्यूस गेमिंग करते हैं तो आपको 6 आवर्स कंटिन्यूस गेमिंग देती है, जो कि अमेजिंग बैटरी टाइम है यार। इस डिवाइस के अगर आप फुल चार्जिंग टेस्ट देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक में जाइए, आप देखें कि 15 मिनट के अंदर ये डिवाइस 0% से 100% कैसे चार्ज होती है। सो ओवरऑल यार गाइस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट Xiaomi डिवाइस अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ। Mi 11T Pro इज अ रियली गुड डिवाइस इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग, बैटरी, कैमरा एंड गेमिंग, एवरीथिंग इज क्लासिक। अगर आपकी डिवाइस अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने पहले ये डिवाइस यूज की है आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और हमारे बाकी यूजर्स के लिए आपकी क्या सजेशन है हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आई एम गोना ब्रिंग यू अ Redmi Note 12 सीरीज रिव्यू, सो डोंट मिस एनी ऑफ दोज। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिए ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत, सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।